जो कि ट्वेंटी 2024 के लिए है आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है आज की जो ये रीडिंग है ये एक जेनरलाइज रीडिंग है आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ऑर्डिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स आइए जानते हैं लियो पीपल जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जनरल एनर्जीज इस मंथ की की आपके लिए किस तरह आइए जानते हैं जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, का कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड है स्पीच ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज द चारियट का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है एक कार्ड नीचे गिर गया है लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू यहाँ पर सेवन ऑफ फायर का कार्ड है सो so, पर एक चीज बहुत क्लियरली मुझे नजर आ रही है लियो पीपल आप लोग बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं ठीक है आप काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपको वो स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज फील हो क्योंकि आपको पता है कि आपका पोटेंशियल बहुत हाई है लेकिन मजबूरियों के चलते आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कभी काम कर ही नहीं पाए हैं ठीक है थेके? अब आपकी पर्सनल पावर बढ़ने वाली है ठीक है और अगर आप ये चाहते हैं कि आप कंप्लीट स्ट्रेंथ अटेन करें तो आपको उन लोगों को अपनी लाइफ में माफ करना है जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है क्योंकि अगर आप फॉगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो कंप्लीट स्ट्रेंथ है आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं स्ट्रांग हो गए हैं इस बात की रियलाइजेशन आपको जुलाई के महीने में जरूर होगी ठीक है तो अगर इसी स्ट्रेंथ की एनर्जीज में रहना है फुल पोटेंशियल के साथ अपनी लाइफ में काम करना है तो उसके लिए आपको उन लोगों को माफ करना ही होगा जो आपको हर्ट कर चुके हैं क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे उनकी एनर्जी से आप टैप आउट नहीं कर पाएंगे ठीक है इस महीने में फाइनेंशियली आप काफी ज्यादा अपने आप को सिक्योर फील करेंगे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ आपके लिए नहीं आपकी फैमिली के लिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं काम से फाइनेंस से आपको बहुत पीस एंड कंटेंटमेंट हासिल होगी जो भी आपके फैमिली के ट्रेडिशंस हैं आप उन्हें समझने वाले हैं कोई ऐसा पर्सन आपके साथ अटैच हो सकता है जो आपके फैमिली के पुराने ट्रेडिशंस आपको बताए या फिर आप अपनी फैमिली की नॉलेज किसी को पास ऑन कर सकते हैं ठीक है और आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐड हो सकता है या तो शादी हो सकती है किसी की या फिर किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल सकती है जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली एक्सपांड हो रही है ठीक है यहाँ द चार्य का कार्ड है इस महीने में आप बहुत ज्यादा डिटर्मेंट रहेंगे बैलेंस्ड रहेंगे ठीक है आपको ऐसा फील होगा कि अगर आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करें हार्डवर्क करें तो फल जरूर मिलता है और पास्ट में किए की कि मेहनत का फल आपको इस मंथ में मिलने वाला है आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रायोरिटीज होंगी उन प्रायोरिटीज को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपको देखकर दुनिया बहुत ज्यादा हैरान होगी कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाया है किस तरह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस होकर निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है देखिए इस महीने में एक अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है लेकिन उसके लिए बोल्ड एक्शन लेना होगा बोल्ड चॉइसेस बनानी होंगी बनाइएगा डरिएगा मत पॉजिटिव होकर इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए ये वक्त एक्शन लेने का ही है वो चीजें कीजिएगा जिन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने पैशंस को दबाने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है एक बहुत बेहतर फ्यूचर की तरफ को आप इस महीने में मूव कर सकते हैं यहाँ पर सेवन ऑफ फायर का कार्ड है इस महीने में खुद पर विश्वास आपका अटल रहेगा लोगों पर आप विश्वास करने नहीं वाले हैं आपके ट्रस्ट पैरियर्स बहुत ही हाई होंगे खुद के लिए स्टैंड आप लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कुछ हायर अथॉरिटी के लोग होंगे जिन्हें इस महीने में आप चैलेंज कर सकते हैं चैलेंज करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए जिसे आप हायर अथॉरिटीज को चैलेंज करने वाले हैं ठीक है बिना प्रूफ के बिना एविडेंसेस के बिना लॉजिक के आगे मत बढ़िएगा सेवन ऑफ स्वोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर ये महीना लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करने का नहीं है क्योंकि इस महीने में आपके सीक्रेट्स का कोई फायदा उठा सकता है कोई पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है ठीक है जिसके साथ आपने पास्ट में अपने सीक्रेट शेयर किए हैं वो पर्सन आपको इस महीने में ब्लैकमेल कर सकता है खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए आपको भी किसी की बैकबाइटिंग नहीं करनी है अपने सीक्रेट्स शेयर मत कीजिए जिन लोगों पर आपको शक है उनके एक्शंस पर नजर बनाए रखिए टाइम वेस्ट हो सकता है मनी वेस्ट हो सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है तो अपने आप को खुद में ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए आपके सीक्रेट्स कोई भी पचा नहीं पाएगा कोई ना कोई पर्सन आपके सीक्रेट्स को किसी और के सामने रिवील कर देगा तो अपने सीक्रेट्स अपने तक रखना जरूरी है यहाँ पर पेच ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस महीने में आप अपने करियर की तरफ अपनी पढ़ाई की तरफ काफी ओरिएंटेड रहने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ के लिए ना खुद काम कर सकते हैं कोई बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर में आपकी पढ़ाई में मिल सकती है आपके करियर में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस महीने में प्रमोशन हो सकती हैं पढ़ाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस महीने में स्कॉलरशिप लग सकती है अगर अपने करियर का पाथ चेंज करना चाहते हैं ये महीना उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है इस महीने में आप दूसरों के साथ बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी रहेंगे ठीक है आप दूसरों के लिए बहुत कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको दूसरों पर ज्यादा यकीन नहीं होने वाला है आप अपने काम के प्रति भी बहुत ज्यादा डिवोटेड रहेंगे अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड रहेंगे लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ की सिचुएशन सेफ रहने वाली है ठीक है आपके इमोशंस हाई होंगे लेकिन आप अपने इमोशंस को किसी के सामने रखेंगे नहीं इस महीने में आपको चैरिटी जरूर करनी है और अगर इमोशनली किसी टर्मोइल से अगर आप गुजरे तो किसी काउंसलर को जरूर विजिट कीजिएगा यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है घर का कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ठीक है ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा कि आप अपने क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ को फ्रेम कर पाए आपको इस महीने में वो करना है जिसे करने में आपको मजा आता है आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो टीम को साथ लेकर चलिएगा उससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी ठीक है आपको इस महीने में अपने करियर में अपने घर में कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओके सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेअर एट ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड देन इज टू ऑफ फायर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आपके काम आने वाले लव लाइफ में ओके सो so, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट स्टेट में हैं देखिए इस महीने में आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं बनाने वाले हैं लेकिन लव लाइफ को लेकर आपका नजरिया बहुत ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इगोइिक है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आप उनके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है लेकिन आप इस चीज में क्या कर सकते हैं आप कितना उनका इंतजार करेंगे आपके पार्टनर को जब भी आप कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं तो अब आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली है ठीक है आप अपने पार्टनर से इस रिलेशनशिप से मुझे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं ये मूव ऑन करना उतना आसान नहीं होगा रातों को आप जाग जाग कर अपने इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे डिसीजन बनाने के बारे में सोचेंगे लेकिन थक हार कर आप यही डिसीजन बनाने वाले हैं कि आपने इमोशनली अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसी सिचुएशन पर वेस्ट कर दिया है अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ठीक है आपको ये भी नजर आएगा कि जब भी आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करने की कोशिश की है तब हमेशा ब्लॉकेजेस का सामना आपको पार्टनर की तरफ से करना पड़ा है आप इस बार सेल्फ सेंटर्ड होकर डिसीजन बनाने वाले हैं अपने बारे में सोचकर डिसीजन बनाने वाले हैं कोई बात नहीं अगर आपको ये फील होता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कीजिएगा रात के टाइम पर इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं बनाना है दिन के के टाइम पर सोच समझ कर बनाइएगा जब आप इस रिश्ते से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगी आपको ये फील होगा कि हाँ अब शायद जिंदगी आगे की और बढ़ेगी आप फ्यूचर के बारे में इस मंथ में बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने वाले हैं ये एक बहुत ही बोल्ड चॉइस है जो आप बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इसी मंथ में कोई नया पर्सन भी आपके कांटेक्ट में आ सकता है अपने पार्टनरशिप आपको उसके साथ करनी है या रिलेशनशिप उसके साथ बनाना है जिसके साथ आपकी सोच मिलती हो ठीक है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस महीने में आएंगी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस महीने में जो आपको लव लाइफ के लिए प्रपोजल देंगे ठीक है तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन बनाने हैं बट हाँ अपने पार्टनर से तो आप डेफिनेटली मूव ऑन करने वाले हैं बहुत टाइम हो गया था आप अभी सोच विचार ही कर रहे थे एक्शन लें ना ले अब हालात ही ऐसे क्रिएट होंगे कि आप अपने इस रिश्ते से आगे मूव ऑन कर जाएंगे ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है देखिए इस महीने में जब भी आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे ना आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ईगो दिखाने वाले हैं आपको वो कहेंगे कि वो अपने करियर में बहुत बिजी हैं उनके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है उन्हें उनकी स्पेस आप दें ठीक है आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की ना प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं और आप अपने पार्टनर से इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि आप अपने पार्टनर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे हैं बट आपको भी ये फील होगा कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है आप बार बार अपने पार्टनर से अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते हैं आप बहुत ही एक्सट्रीमिटी में ऑपरेट करने वाले हैं आप ये नहीं सोचेंगे कि उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप यही महसूस करेंगे कि अगर सामने वाला पर्सन आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है तो आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है रातों को जागेंगे आप इस रिश्ते के बारे में वर्ष से वर्ष सोचेंगे आप रात के टाइम पर कुछ गलत डिसीजनस बना सकते हैं इसलिए रिश्ते को लेकर कोई भी डिसीजन रात के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है आपको इस बात का ध्यान रखिएगा रात के टाइम पर आपको अपना एक स्लीपिंग पैटर्न सेट करने की ज़रूरत है टाइम से सोने की ज़रूरत है नहीं तो आप अपने रिश्ते को लेकर कोई गलत फैसला बना बैठेंगे इस महीने में आपको ना अपने पार्टनर से वो इमोशनल कनेक्ट फील ही नहीं होगा आपकी अपनी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और आप ये महसूस करेंगे कि इस तरह से पीछे पीछे भाग कर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते हैं आपके पार्टनर को जब आपकी कदर ही नहीं है तो आप कोई ये रिश्ता क्यों निभाना है आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर अब अगर आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं तो आप उनसे मूव ऑन करने के बारे में सोचने वाले हैं ठीक है और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि क्या सारी उम्र इसी तरीके से आप रिश्ता निभाते जाएंगे आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते जाएंगे और वो आपकी इंसल्ट करते जाएंगे इस तरह की सोच इस तरह की अप्रोच आपकी रहने वाली है तो इस मंथ में आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं बनाने वाले इस रिश्ते के रिगार्ड में बल्कि आप बनाने वाले हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन से नो कांटेक्ट जोन में चले जाएंगे और जो लोग मैरिड हैं आप अपने पार्टनर से एक सेपरेशन जोन में आ जाएंगे ओके तो सोच समझ कर अपनी लाइफ का डिसीजन बनाइएगा जल्दबाजी कोई नहीं करनी है रात के टाइम पर सोचकर डिसीजन uh, नहीं बनाने हैं क्योंकि वो डिसीजन गलत हो सकते हैं ओके सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। लियो पीपल जो लोग सिंगल हैं इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहने वाले आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आपको शादी करनी है ठीक है आपकी अपनी ईगो बहुत हाई रहने वाली है लेकिन इस मंथ में कोई आपके लिए प्रपोजल आ सकता है जो कि पेंडिंग में चला जाएगा इस मंथ में उस प्रपोजल पर कोई बातचीत नहीं होगी और ये प्रपोजल इस मंथ से दो महीने के बाद आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा ठीक है ये अरेंज मैरिज के फॉर्म में जो रिश्ता अब तक आ रहा है वो इस महीने में कुछ फाइनलाइज नहीं होगा अगले दो महीनों के बाद इसी पर्सन के साथ आप दोबारा से एसोसिएट होंगे और इस पर्सन के जो जॉनिक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है इक्वेरियस जेमनाब्रा इस महीने में कोई रिश्ता फाइनलाइज हो जाएगा ऐसी कोई एनर्जी नहीं है शादी फिक्स हो जाएगी ऐसी कोई एनर्जी नहीं है आप अपने आप को इमोशनली लोगों से ज्यादा डिसकनेक्ट रखने वाले हैं ये जरूर यहाँ पर समझ आ रहा है ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा यहाँ पर रिलीज का कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड का है द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ स्पोर्स का कार्ड है यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है देखिए लियो पीपल इस महीने में आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके करियर के अंदर जो चीजें आप बोझ की तरह कैरी कर रहे थे ना वो चीजें खत्म हो जाएंगी मतलब अगर आप मन मारकर कहीं पर जॉब कर रहे थे वो जॉब आपकी छूट सकती है कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे थे जहां पर आप इमोशनली कंटेंटेड फील नहीं कर रहे थे आपको ये फील हो रहा था वक्त के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है चीज़ें खत्म होंगी आप इस मंथ में अपने करियर को चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कोई ऐसा पाथ आप एक्वायर करने वाले हैं जिस पाथ पर चलकर आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा कंटेंटेड फील करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलने वाली है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागना होगा आपको ये अपॉर्चुनिटी सामने से मिलेगी कंप्लीट स्ट्रेंथ आप अपने करियर में भी अटेन करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेंगे डेडिकेटेड रहेंगे प्रोटेक्टिव रहेंगे क्योंकि बहुत टाइम के बाद आपको ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जिसमें आपका मन लगेगा थोड़ी अप्रीहेंशन की एनर्जीज आपको परेशान करेंगी कोई भी एक्शन अपने करियर में लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके प्लान बना लीजिएगा उसके बाद एक्शन लीजिएगा ठीक है आपका जो मनी का सोर्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर आप जॉब चेंज करने वाले हैं तो जिस पोजीशन पर आप काम करते हैं उसे एक बेटर पोजीशन पर आप जाने वाले हैं ठीक है ठीके? और आप बहुत ही जिनरोसिटी के साथ प्रैक्टिकल होकर अपने कर्तव्य निभाएंगे ठीक है आपको ये फील होगा कि आपके अंदर वो एबिलिटी है जिससे कि आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से शेप कर सकते हैं आप अपने करियर के रिगार्ड में कोई भी इमोशनल फैसले नहीं लेने वाले हैं लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी काम करते हुए आपको जरूर मिलेगी बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस महीने में अपने कोई भी सीक्रेट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं क्योंकि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कभी भी बैकस्टैप कर सकते हैं ठीक है उससे आप काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इसलिए ज्यादा फ्रेंडशिप्स करने की जरूरत नहीं है किसी को ज्यादा अपना मानने की जरूरत नहीं है अपने करियर फील्ड के रिगार्ड में ठीक है आप अपनी चीजें अपने तक रखिए पूरी लगन से पूरी मेहनत से काम कीजिए करियर के अंदर एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी

खुद इस महीने में प्रायोरिटाइज करने वाले हैं एप्रीहेंशन की नो चीज आपको परेशान करेंगी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है तो अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छे फैसले आप खुद बनाते हुए नजर आ रहे हैं हेल्थी प्रैक्टिस आप करने वाले हैं ठीक है अपनी हेल्थ पर पैसे आप खुद खर्च करने वाले हैं अपनी मर्जी से आप करेंगे एक पॉजिटिव वे में करेंगे ठीक है कोई योगा प्रोग्राम या जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी डाइट के अंदर कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं इस महीने में आपके जितने इनपुट्स अपनी हेल्थ के रिगार्ड में होंगे उतने ही आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेंगे हेल्थ में कोई भी परेशान करने वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है आप ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो चीज बहुत अच्छी है ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है यहाँ पर द एम्पर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज द हॉमेट का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेअस नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ओके सो लियो पीपल इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए लेकिन आप खुद क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस मंथ में अगर इन्वेस्टमेंट की तो फ्यूचर में आप कहीं फंस जाएंगे फ्यूचर में ये पैसे डूब सकते हैं ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको आएंगी अकेले में बैठ इस बात का डिसीजन बनाइएगा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन बनाइएगा किसी के साथ कोई डिस्कशन करने की आपको जरूरत नहीं है इमोशनल होकर डिसीजन बनाएंगे तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे जबकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त है इस पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवार्ड देगी आपने दिल से नहीं दिमाग से सोचना है और इन्वेस्ट करने के बाद किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करनी है कि आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट की है आप बड़ा अमाउंट इस मंथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदना चाहते हैं आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इस महीने में आप कोई अपना घर बना पाएंगे आप कोशिश पूरी कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से शायद पाँच से छः परसेंट लोग हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं घर बनाने के लिए अदरवाइज ये महीना घर बनाने के लिए लैंड खरीदने के लिए नहीं है आपको कोई कॉमर्शियल प्लेस भी नहीं खरीदनी है इस बात का ध्यान रखिएगा वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी बस जितना यहाँ पर समझ आ रहा है ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे लेकिन फिर भी आप खरीद नहीं पाएंगे वो चीज नजर आ रही है ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मंथ लियो पीपल किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा यहां पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है एट ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट इज द चारियट का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं अपने आप को लाचार और बेसहारा समझने की जरूरत नहीं है आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इस महीने में मेहनत करके पढ़ाई करके आप वो एग्जाम दे सकते हैं ठीक है और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी आप खुद भी इस मंथ में काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर डिटर्मिट रहेंगे आपको भी ये चीज पता रहेगी कि अगर आप हार्ड हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिल सकती है कुछ चैलेंजेस का सामना आपको आपकी पढ़ाई में करना पड़ सकता है वो एनर्जी भी नजर आ रही है कि कभी कंसेंट्रेशन नहीं बन पाएगी कभी घर का माहौल वैसा नहीं होगा तो इन चैलेंजेस को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा इस में आपको आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई पर्सन बाहर से गाइडेंस दे सकता है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है कोई नया पर्सन आपके साथ जुड़ सकता है जो आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में गाइडेंस देगा उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है ठीक है और अगर आपका कोई रिजल्ट आ रहा है इस महीने तो वो आपकी फेवर में होगा आप कोई एग्जाम देंगे तो वो चीजें आपकी फेवर में होगी लेकिन डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से ही सक्सेस मिलेगी सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज के सपोर्ट से हर चीज नहीं होने वाली है अपने पढ़ाई को लेकर आपको बहुत ही ज्यादा डिस्सेसिव रहने की जरूरत है फोकस्ड रहने की जरूरत है और कुछ ऐसा माहौल भी घर में बनेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग हो सकती है उस चीज के बारे में जरूर सोचिएगा और अगर आप कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्ट जॉब लग सकती है वो एग्जाम इस मंथ में क्रैक नहीं हो सकता है इस बात का ध्यान रखिएगा प्रोमोशनल एग्जाम जरूर क्रैक हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं वो क्रैक नहीं होगा या आप किसी और जॉब के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं वो क्रैक नहीं होगा ओके सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए वट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पर माँ काली का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कॉम्युनिकेशन का कार्ड है देन इज फेथ का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज मास्टर बुद्धा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर व्हाइट ईगल का कार्ड है देखिए इस पूरे मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में काली चालीसा पढ़ेंगे घर में काली चालीसा नहीं पढ़ी जाती है क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है अगर आप अपने घर में काली चालीसा पढ़ते हैं तो अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं जिसे कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होता है बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस इस महीने में आपकी लाइफ में होंगे ये आपके पास वक्त है अपने फियर्स को ओवरकम करने का माँ काली के मूल मंत्रों का जाप आप घर में कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए नारियल लेकर जाइए चुनरी लेकर जाइए और ये सारी चीजें माँ को अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए माँ अपना रक्षा कवच आपको जरूर प्रदान करेंगी ठीक है ओपन कॉम्युनिकेशन का कार्ड है इस महीने में आपको जैसे भी फील होता है आप वैसे अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए मतलब अगर किसी की बात आपको अच्छी लग रही है तो उसे बताइए अगर बुरी लग रही है तो बताइए लेकिन प्यार से बताइएगा सामने वाला पर्सन आपकी बात को जरूर सुनेगा अपने थ्रोट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेशन करनी है ठीक है और आपको अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए ओम की चैंटिंग भी जरूर करनी है ये है, आपका मोड ऑफ एक्शन है देन फेथ रखिए खुद पर ईश्वर पर थोड़ा सा काम रहिए आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है दूसरों में बुराई सिर्फ ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा लोग अच्छे भी होते हैं ठीक है आप जिस तरह से लोगों को देखेंगे उसी तरीके की एनर्जी आप तक बाउंस बैक होने वाली है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव लोग आपके साथ जुड़े आपको लोगों की वजह से ज्यादा हर्डल्स का सामना ना करना पड़े तो आपको एटलीस्ट दूसरों को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना है यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है यहीं पर आपको अपनी खुशियां ढूंढनी है ठीक है तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप क्यों चल रहे हैं ये सवाल मत कीजिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए एंड थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है आप चने की दाल का दान कर सकते हैं आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं एक गिरी तीन गिरी पांच गिरी सात गिरी नौ गिरी ग्यारह गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग के कपड़े डालिए आप चंदन या केसर या हल्दी का टीका थर्सडे को लगाना मत भूलिए किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े डालकर चाहिए इस मंथ में आपको अपना इनर बैलेंस अटेन करना है अपने सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है अपने इनर वॉइस को सुनना है तभी वो बैलेंस जो आपको मिस लग रहा है ना अपनी लाइफ में वो आपको मिल पाएगा ठीक है यहाँ पर वाइट ईगल का कार्ड है इस मंथ में जो भी मून no आएगा आमावस के दिन आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है आप अनाज का दान कर सकते हैं आप कपड़े का दान कर सकते हैं आप दक्षिणा ऊपर जरूर रखिएगा दक्षिणा में एक रुपए का सिक्का नहीं रखना है मतलब अगर आप हंड्रेड रुपीज देना चाहते हैं तो हंड्रेड ही रखेंगे आप वन हंड्रेड वन नहीं रखेंगे इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और अगर कोई पितृदोष है तो वो दूर हो जाएगा ओके सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन इस महीने में आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहाँ पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एमरेजिंग एंथजियाज्म का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज फेलो ट्रेवलर्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड कार्ड है एंड ऑफ द डेक पर यहां पर ग्राउंडिंग का देखिए डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि हर चीज पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश मत कीजिए ये जिस जर्नी पर आप चल रहे हैं वहां पर आपको अपना कंट्रोल रिलीज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ईश्वर आपको जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं वहां पर आप चलने के लिए ही शायद तैयार नहीं हो रहे हैं आपने अपना कंट्रोल बना कर रखा हुआ है कंट्रोल रिलीज कीजिए बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस अटेन होगा आपको ये फील होगा कि ईश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए प्लान किया है वो बिल्कुल सही है इस मंथ में जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं उस पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगी सपोर्ट आपको पल पल मिलने वाली है अपनी लाइफ में रिस्क लेकर आगे बढ़ते रहिएगा आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी आपकी नाव को किनारा जरूर मिलेगा और बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं कि आप लोगों को चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स दी हैं ठीक है यहाँ पर ग्राउंडिंग का कारण है डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड कीजिए इगो की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिए अपने रूट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए आप यहाँ पर क्यों आए हैं आपका सोल पर्पस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए ओके सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड इयर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सो